कहानी चालाक बतख। हंसावन में एक बहुत सुंदर झील थी। उस झील में बतख अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन बतख अपने बच्चों के साथ झील के बाहर घूम रही थी, तभी उसने दूर खड़े एक सियार को देखा। वह डर गई और बच्चों से कहने लगी, बाहर खतरा है, जल्दी जल्दी झील में चलो। बच्चे माँ की बात सुनकर झील की तरफ दौड़ने लगे। छोटे होने के कारण ना तेज दौड़ सकते थे और ना ही उड़ सकते थे। बतख ने सोचा, यदि इसी तरह दौड़ेंगे तो सियार उन्हें पकड़ लेगा। उसने बच्चों को बचाने की एक तरकीब सोची। वह अपना एक पंख लटकाकर लड़खड़ाते हुए चलने लगी। सियार ने उसे देखा तो वह समझा कि बतख घायल है। वह बहुत खुश हुआ। उसने पहले बतख और फिर बच्चों को शिकार करने का निश्चय किया। वह दौड़ता हुआ बतख के पास पहुंचा। बतख अपने बच्चों को छोड़कर भागने लगी। वह सियार को अपने बच्चों से दूर ले गई। कुछ दूर जाने के बाद बतख ने देखा कि बच्चे सुरक्षित झील में पहुंच गए हैं। वह बहुत प्रसन्न हुई और अपने पंख फैलाकर उड़ गई। अपने बच्चों के पास झील में पहुंचकर बतख ने राहत की सांस ली। इधर मूर्ख सियार उस दिन भूखा ही रह गया। कहानी से सीख। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। अधिक प्राप्त करने की लालच में थोड़ा भी चला जाता है।